किबले का एहतराम करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अपने थूक को भी किबले की तरफ ना फेंको। जो थूक होती है ना, थूक को भी किबले की तरफ ना फेंको, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, लागा घर है। अब जरा देखिए इस हदीस पाक से कितना एहतराम आपको समझ में आ रहा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ थूक उसको भी किबले की तरफ फेंकने से मना फरमाया है, क्यों? इसलिए कि उसमें किबले की बेअदबी, थूक अगर फेंक रहे हैं तो उसमें किबले की बेअदबी है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में यह भी इरशाद फरमाया कि कोई बंदा किबले की तरफ मुंह करके ना पेशाब करे ना पाखाना करे, मुंह करके और ना पीट करके पेशाब और पाखाना करे। पीट भी नहीं करना किबले की तरफ पेशाब और पाखाना करने के बाद, और मुंह भी नहीं करना है पेशाब और पाखाना करके, क्यों? इसलिए कि इसमें किबले का एहतराम। अब देखिए थूक फेंकने में भी किबले का एहतराम, पीट और ये करने में भी नजासत के वक्त किबले का एहतराम। तो अब अगर किबले की तरफ पैर करेंगे, किबले की तरफ आप क्या करेंगे, पैर करेंगे, तो जरा बताइए कि इस पैर करने में अदब है या गैर अदब? अदब है या गैर अदब है? कोई बंदा अगर सच्चा मानने वाला है तो अपना पैर बाप की तरफ भी नहीं करता। अगर किसी का बाप बैठा हुआ है तो उसका अदब और एहतराम करते हुए अपने कदम को अपने बाप की तरफ भी नहीं करता, क्यों? इसलिए कि बाप की अजमत और एहतराम है, बाप की अजमत और एहतराम है। तो सिर्फ और सिर्फ किबले की तरफ चेहरा करना नमाज में है या कोई दुआ में है या कोई और इबादत और रियाजत में है, तो इन अहदीसों से क्या बात साबित आई कि किबले का एहतराम चाहे वो किसी भी तरीके से हो हमारे ऊपर करना बिल्कुल वाजिब है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किबले को काबा बनाया, उस किबले को क्या बनाया, काबा बनाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कलामे मुकद्दस में कि ये वो अल्लाह का घर है जहां पर तमाम लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए यहां पर आते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए यहां पर आते हैं। और जब अल्लाह का जो घर हुआ करता है वो तमाम घरों में अफसलो आला, तमाम घरों में क्या है, अफसलो आला। तो जब खुदा ने उसके बाप से, बाप के सुल्ह से उसके बेटे की पैदाइश की, तो बाप की इज्जत करना उस बेटे पे फर्ज हो गया, तो वो तो इबादत का मरकज है, तो हम क्यों नहीं उसकी इज्जत और इहतराम करें? तो हदीस मुबारक से यही साबित हुआ कि जब किबले की तरफ थूक करना हमारे लिए अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, तो पैर करना हमारे लिए कहां तक जायज़? ठीक है।